आज देश गणतंत्र का 17वां वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है और संकल्पित हो रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर गणतंत्र को हम लोग अपनाया है, संविधान को हम लोग अपनाया है, क्या संविधान मेरा ठीक ढंग से अनुपालित हो रहा है या नहीं, यही विचार करने की बात है। बातें बहुत है लेकिन दो चीज़ को हम लोग देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोग बहुत संवेदनशील थे। उन लोगों का कहना था कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, लेकिन ये दोनों विधा पर हम लोग कहीं ना कहीं अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। साथ साथ हिंसा की भावना को छोड़ना है, सहिष्णुता को अपनाना है। आज देख रहे हैं कि असहिष्णु हो रहे हैं लोग और हिंसा भी निश्चित रूप में अपना मुंह बाय खड़ा है। वैसी परिस्थिति में हम लोगों को सोचना होगा कि संविधान निर्माताओं ने जो हमको रास्ता दिखलाने का काम किया, संविधान दिया, उसका अनुपालन हम कैसे करें। और फिर देख रहे हैं कि लोगों को जो अधिकार कर्तव्य देने की बात थी तो अधिकार सब कोई मांग रहे हैं लेकिन जो कर्तव्य है उसको निर्वहन में कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो रहे हैं। यही कारण है कि आज समाज में एक तरह से मनमुटाव है, भाई भाई में झगड़ा है और जात जात से संप्रदाय से एक झगड़ा की बात हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को जो हिंदुस्तान के गणतंत्र को, संविधान को संरक्षित रखना होगा तो संकल्पित होना पड़ेगा कि अपना स्वार्थ की भावना को छोड़ करके संविधान में बताए हुए रास्ते पर हमको चलना।